अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबारक सदीक। आज का हमारा जो टॉपिक है बिट बाइट एंड मेमोरी वर्ड, वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है बिट। बिट या बाइनरी डिजिट ये एक बेसिक यूनिट है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जब ली जा रही हो तो उसकी बेसिक यूनिट जो है वो बाइनरी डिजिट्स है। मीन के बाइनरी डिजिट्स या बिट के अंदर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। अ बिट इज अ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी अ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज। मीन के कंप्यूटर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कि जो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको होल्ड करता है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में आती है, सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आता है। अ बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, आइदर जीरो और वन। कंप्यूटर सिस्टम जो है, बिट जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो दो में से एक वैल्यू पर मुश्तमिल होती है। वो दो वैल्यू आपके पास जीरो या वन कहलाती हैं। या तो बिट जो है वो जीरो होगी या वन कहलाएगी। अगर जीरो है तो वो भी बिट है, वन है तो वो भी बिट है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी मीन टू, इट्स मीन के ये एक ऐसा डिजिट का सिस्टम है जिसमें ओनली टू डिजिट्स होते हैं। और डिजिट्स को स्टार्ट अगर जीरो से किया जाए, क्योंकि डिजिट्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से स्टार्ट लें तो वन, जीरो एंड वन, ये दो डिजिट्स बिट्स बाइनरी डिजिट्स में आते हैं। और बाइनरी डिजिट्स जो है वो ओनली बिट जो है ये आपके पास इन दोनों में से किसी एक को होल्ड करता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाए, कंप्यूटर जब किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है तो वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स की फॉर्म में उसको स्टोर करता है। यानी कि जीरो वन के कम्बिनेशन की फॉर्म में उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से वन जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो, इस फॉर्म में डेटा को कंप्यूटर सिस्टम स्टोर करता है। नेक्स्ट नंबर टू पे हमारे पास है बाइट। बाइट जो है ये यूनिट ऑफ डेटा है। डेटा जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम में सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वो बाइट्स की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। ये बेसिक यूनिट है डेटा की, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। इसमें एट बिट्स होती हैं। यानी कि जो जीरो और वन का कॉम्बिनेशन है, ये एट बिट्स जब होंगी तो वो वन बाइट कहलाएगा। इट्स मीन अब यहां पे आप कह सकते हैं कि एट बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट। वन बाइट रिप्रेजेंट अ करेक्टर सच एज अ नंबर एंड अल्फाबेट्स आर अ स्पेशल सिंबल। फॉर एग्जाम्पल ए एच टू प्लस स्लैश नाइन लेस देन ग्रेटर देन मुख्तलिफ, यानी कि ये जो आपके पास सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, इनमें से अब जो वन बाइट है वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और करेक्टर आपके पास कोई नंबर भी हो सकता है, लाइक वन टू थ्री, एनी नंबर, ठीक है। एन अल्फाबेट्स, चाहे वो कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है, ए बी सी अप टू सो ऑन। आर स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स में आपके पास प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डॉट आ जाता है, स्पेस आ जाती है, मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाते हैं। वन बाइट जो है वो सिंगल करेक्टर को होल्ड करता है, रिप्रेजेंट करता है। कुछ हायर यूनिट्स हैं मेमोरी की, उनको भी डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे आपके पास आ जाती है किलो बाइट। किलो बाइट को के बी से डिनोट किया जाता है। किलो का मतलब ये है, किलो मीन 1000, बट कंप्यूटर मेमोरी जो है वो ओनली टू डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है, तो इस वजह से उसकी जो मेमोरी है उसको टू की पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब टू की पावर में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस बेस पे किलो जो है वो 1000 के करीब तीन वैल्यू टू की पावर में होनी चाहिए ऐसी, जो 1000 हो या उसके करीब तीन वैल्यू लाए, तो उसमें हमारे पास आ जाता है 2 पावर 10। 2 पावर 10 जो है ये इक्विवेलेंट आता है 1024। इट्स मीन कि हम किलो बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं 1024 बाइट्स की मदद से। 1024 बाइट्स जो है हमारी एक किलो बाइट के अंदर मौजूद होती हैं। नंबर टू पे मेगाबाइट। मेगा मीन 1 मिलियन।
मेगाबाइट को एमबी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एमबी से। मेगा मीन 1 मिलियन। और अगर जब भी आपको मैंने बताया कि 2 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को, तो 1 मेगाबाइट जो होगा वो 2 पावर 20 होगा। 2 पावर 20 यानी कि 2 पावर 20 मीन 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वेलेंट टू 2 पावर 20। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है गीगाबाइट। गीगाबाइट को रिप्रेजेंट करते हैं जीबी में, कैपिटल जीबी में, मीन के गीगाबाइट। और गीगा मीन जो है ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 पावर 30 में, मीन के 2 पावर 30 जो है वो 1 गीगाबाइट के इक्वेलेंट आता है, यानी इट्स मीन के 1 जीबी। नेक्स्ट आ जाता है टेराबाइट। टेराबाइट को टीबी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टीबी से। और 1 टेराबाइट जो है ये इक्वेलेंट होता है 2 पावर 40 के। 2 पावर 40 इज इक्वेलेंट टू 1 टेराबाइट। ठीक है, ये आपके पास कुछ यूनिट्स थी। हमारे पास है मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड जो है ये एक टर्म है, इसमें वर्ड हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो कंप्यूटर के नेचुरल यूनिट ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीन के कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब बनाया जाता है, उसका डिजाइन जब तैयार किया जाता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स को रखा जाता है जिस बेस पे वो कंप्यूटर सिस्टम अपनी प्रोसेसिंग का टास्क परफॉर्म करता है, तो वो मेमोरी वर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर डिजाइन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, उनको मेमोरी वर्ड्स कहा जाता है, या साइज ऑफ या लेंथ ऑफ वर्ड कहा जाता है। अ वर्ड सिंपली अ फिक्स्ड साइज ग्रुप ऑफ बिट्स दैट आर हैंडल टुगेदर बाय द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की को हैंडल करने के लिए, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है उसको हैंडल करने के लिए जो है नंबर ऑफ बिट्स को फिक्स कर दिया जाता है, ग्रुप ऑफ बिट्स को फिक्स करके एक स्पेसिफिक डिजाइन क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का, तो वो आपके पास मेमोरी वर्ड कहलाता है, या सिंपली वर्ड उसको कहा जाता है। अब एक वर्ड के अंदर जितनी बिट्स होती हैं, उन बिट्स को उस वर्ड की लेंथ कहा जाता है या वर्ड का साइज कहा जाता है। बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर जो आजकल यूज हो रहे हैं, उनमें जो मेमोरी वर्ड का साइज है वो आपके पास 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट प्रोसेसिंग जो है वर्ड साइज होता है। अब यहां पे अगर जिस कंप्यूटर का वर्ड साइज ज्यादा होगा, वर्ड साइज मीन के उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगी, तो वो उतना फास्ट और अच्छी परफॉर्मेंस देगा, हाई स्पीड के साथ प्रोसेसिंग करेगा। इसका मतलब यानी यहां पे ये है कि वर्ड साइज ज्यादा होने की बेस पे ज्यादा डेटा को एक वक्त में, एक साइकिल में प्रोसेस किया जा सकता है। अब आप जहां पे देखते हैं 32 बिट कंप्यूटर्स होते हैं, उसके मुकाबले में 64 बिट कंप्यूटर्स जो है वो हाई स्पीड के साथ ज्यादा डेटा को कम वक्त में प्रोसेस कर लेते हैं, और 32 बिट उसी डेटा को डबल टाइम में प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो 64 का हाफ है, उसका जो मेमोरी वर्ड है, मीन के उसकी जो सलाहियत है वो 32 बिट्स को एक साइकिल के अंदर प्रोसेस करने की है। जहां पे 64 बिट मेमोरी वर्ड होगा, वहां पे उस कंप्यूटर्स को 64 बिट्स को एक साइकिल में कंप्लीट करने की सलाहियत होगी, जिस वजह से 64 बिट वाला कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड के साथ ज्यादा फास्टली, ज्यादा तेजी से काम करने की सलाहियत रखता है।